जम्मू प्रांत रामबन जिले के तहसील पोगल परिसदन और पास के गुजरा गांव के लोग पिछले 8 वर्षों से पुल निर्माण के रूप में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण 6 से 7 हजार लोग मीडिया से बात करते रहते हैं। इस पुल के निर्माण के कारण यह एकमात्र सड़क है जो सड़क पूरी नहीं बनी है। सड़क के काम के दौरान धोबी पंचायत के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए रास्ता कम है। 2012 में लगभग 5 से 7 मीटर के पुल पर काम शुरू किया गया था, अब तक केवल आधा काम पूरा हुआ है। लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के लिए मजबूर करने के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की पुल पर काम में तेजी लाई जानी चाहिए और इसे जल्द से जल्द मोटर योग्य बनाया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण पुल अधूरा रह गया है, 8 साल से अधिक हो गया है और हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। ये रोड सीनावती टू गुजराड़ा का 2008 में सेंक्शन हुई और 2012 में काम इसका शुरू हुआ। 7 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, और एक पुल की वजह से नहीं बल्कि इसमें और भी बाकी काफ़ी वजह है। 7 करोड़ रुपया में से सिर्फ 80 लाख रुपया अभी इसका पेंडिंग रहा है और बाकी जो 6 करोड़ रुपया है वो आप लोगों ने देखा होगा कि इसका कितना काम हुआ है यहाँ, वो सामने है। और इतना ही नहीं बल्कि 3 पंचायतें नहीं, इसमें भिंगारा पंचायत जो है वो भी सफ़र कर रही है, क्योंकि सीनावती ए का भी और बी और प्रस्थान का कुछ एरिया और उसके साथ में भिंगारा का एरिया जो पड़ता है पंचायत का, ये सारी जो है 6 और 7 हजार के आबादी पर मुश्तमिल है ये जो इससे सफ़र हो रहे हैं। और सर्दियों के दिनों में यहाँ से पार और आज के दिनों में जो हेड लोड है, एक घोड़ा जो है कोंटल का 100 रुपया लेता है वहाँ से यहाँ तक, 200 रुपया कोंटल का लेता है पहाड़ की के तहत ये जो है ये रोड आया है। 7 करोड़ पुल के अलावा इसका जो है 7 करोड़ है, और जबकि 7 करोड़ में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आपने देखा होगा यहाँ से पीछे गए होंगे आप कि 7 करोड़ में ऑलरेडी तकरीबन मेरा जहाँ तक मानना है कि 7 करोड़ में करोड़ रुपया भी नहीं अभी तक इस पे लगा। अरे यही मांग रहेगी कि जल्द अज जल्द पुल को का काम शुरू किया जाए और उसको मुकम्मल करके इस रोड को थ्रू किया जाए और यहाँ का जो पेंडिंग है कंपनसेशन, कुछ कंपनसेशन मिला है, जो पेंडिंग कंपनसेशन है वो भी इनको दिया जाए। जनाब, मैं आप लोगों के माध्यम से हुकूमत आला तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ और खासकर हमारे आरएनबी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान के साथ आपकी माध्यम से ये आवाज़ पहुंचे ताकि लोगों की परेशानी का अजाला हो। 2012 में आरएनबी ने नवाड़ के बैंक के थ्रू ये रोड सिर्फ अर्थ कटिंग यानी लोगों को दलदल में डाल दिया, जिनके मकान जमीन इस वक्त स्लाइड में जा रही है, डिपार्टमेंट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। पैसा जितना जो 7 करोड़ था उसमें सिर्फ 85 लाख रुपया इनके पास डबा दिखा रहे हैं, वो भी मटेरियल में डाल दिया है जबकि मटेरियल यहाँ 1 रुपये का नहीं लगा। तो इसके अलावा पुल का जो मसला था, पुल का पिछले साल कुछ पैसा रिलीज हुआ 25 लाख, अर्थ कटिंग करके खुदा जाने क्या कारण इनके पास क्या है, ये एक डिजाइनर की ओर से हमें ये मालूम नहीं है। डिजाइनर कोई मशीनरी है या कि इंसान है? 2 साल से उसके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच पाई, ना वो साइड पर आता है, जिसके कारण पूरा इलाका दलदल में फंसा है। यहाँ राशन हम अगर स्टोर से, क्योंकि स्टोर सब पार सेनापति में है, वहां से राशन लाया जाता है और हर घर को पर काउंटल 200-250 रुपया देना पड़ता है। दीगर जो भी अजनास है, जो भी राशन घरेलू खर्चा है, वहां से लाना पड़ता है। आपकी माध्यम से आवाम की परेशानियों का अजाला करने के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। आप हुकूमत बाला तक ये बात पहुंचाए। सबसे पहले मैं यहां बताने से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया वालों का जो यहां पर आए ताकि इस इलाके की जो है मसाइल है उनको उजागर किया जाए और हुकूमत तक पहुंचाया जाए। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है वो यहाँ पर जो है रोड की है,
जो 2012 में जो है जिसका काम शुरू किया गया था, और 2012 से आज 2020 है तो रोड जो है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है काम। थोड़ा बहुत 2012 में काम हुआ है कटिंग का, तो उसके बाद जो है अभी तक रोड सिर्फ एक पुल की वजह से रुका हुआ है। और भी कुछ वजूहत हो सकती है, लेकिन अगर पुल बन जाता है तो रोड जो है यहाँ पर मिल सकता है। वो रोड की वजह से हमारी परेशानी ये है कि जैसे पहले भी बताया हमारे साथियों ने कि 200 रुपया पर क्विंटल जो है हमें पार से जो है भरना पड़ता है, और यहाँ जो पॉपुलेशन है वो 7 से 8 हज़ार के करीब है, और 7 से 8 हज़ार करीब के जो लोग यहाँ पर रहते हैं तो वो बगैर रोड के ही जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें कभी परेशानी हो जाती है हेल्थ के हवाले से, बाकी चीज़ें। तो इसलिए अगर हमारी जो पहली डिमांड है वो रोड के हवाले से है कि रोड यहाँ पर होना चाहिए। और उसके हवाले से मैं ये भी बताऊं कि पुल के बारे में जो है बहुत बार जो है काम शुरू किया गया, आज भी 10-15 दिन पहले काम शुरू था, लेकिन पता नहीं किस किन वजूहात के बिना पर जो है वहाँ पर रोड जो है वो पुल का काम रोक दिया गया है। तो हम चाहते हैं जो है हुकूमत से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि यहाँ पर जो है पुल का काम और रोड का काम जो है बहुत जल्द से जल्द विद इन डे शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो परेशानी है उसका इजाला किया जाए। और यही हमारी सबसे बड़ी जो है परेशानी।